ओ भाई ये क्या है। सो गाइज आज हम सीखने जा रहे हैं जंप स्टाइल ग्लू वॉल, वो भी 5 इजी स्टेप में। और जंप स्टाइल ग्लू वॉल परफॉर्म करते वक्त आप लोग क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हो वो भी बताऊंगा, और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो वो भी बताऊंगा। तो राम निकला है, देव मारुष निकला। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टेक्निक सीख के मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा हुआ। फर्स्ट आपका मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगा, और सेकेंड अगर कोई लड़के आपका गेम प्ले स्पेक्टेट से देख रहा है तो वो भी इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि स्पेक्टेट व्यू से ये मूवमेंट बहुत ही खतरनाक दिखता है। मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना। आज का ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली। सो गाइस अब शुरू करते हैं ट्यूटोरियल को। बहुत ही इजी है गाइस, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो स्टेप्स। सो गाइज फर्स्ट में आपको जंप करना है और एनिमी को स्पॉट करना है, उसके बाद अपने एम को भी अभी मिला लेना है, क्योंकि ना गाइज जंप करने के बाद हमको सीधा फायर करना है, इसलिए जंप और फायर के बीच में जो भी मिली सेकेंड का टाइम होता है ना, उधर हमको एनिमी को स्पॉट भी करना है और अपना एम को सुइटेबल पोजीशन पे भी रखना है ताकि हेडशॉट लगे। सो गाइज सेकेंड स्टेप में जस्ट आपको फायर करना है ड्रैग करके। अगर आपने जंप करते टाइम पे अपना एम सही जगह पे रखा था तब भी हेडशॉट लगेगा। फायर करने के बाद आपको सिंपली वॉल बटन टच कर लेना है, और अभी भी हमारा कैरेक्टर जमीन पे नहीं गिरा है ये बात याद रखना। अब आपको सिंपली वॉल लगा देना है, और अभी तक भी हमने जो जो स्टेप किया ना, जंप फायर वॉल एंड पुट वॉल, वो सभी एक ही जंप पे करना है, मतलब जमीन पे गिरे बिना ये चारों स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा। Oh, nice. अब लास्ट स्टेप है रन एंड रिपीट द प्रोसेस। ये क्या बहुत डिफिकल्ट है पागल। यस गाइस ये फिफ्थ स्टेप जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं है। आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि मेरा कैरेक्टर कितना स्टक कर रहा है, मतलब वॉल लगाने के बाद भाग ही नहीं रहा है। अगर आप भी अभी अभी जंप स्टाइल ग्लू वॉल सीख रहे हो तो आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं ये प्रॉब्लम होता क्यों है। सो गाइस ये प्रॉब्लम तब होता है जब हम लोग हमारा कैरेक्टर जमीन पे आने से पहले ही रन बटन दबा देते हैं। सो गाइस जंप स्टाइल ग्लू वॉल लगाने के टाइम पे आपको ये बात ध्यान पे रखना होगा कि आप रन बटन तभी दबाए जब आपका कैरेक्टर जमीन पे आ चुका होगा। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की, जो कि है वॉल प्लेसमेंट। ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए आपको बस लेफ्ट फायर बटन से वॉल लगाना होगा, और वॉल लगाते टाइम पे आपको राइट फायर बटन टच करके रखना होगा। अबे क्या बोला है, पिलियल बॉल, पिलियल बॉल। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यूएमपी स्कोपिंग हेडशॉट सीखना है तो ये वीडियो देख सकते हो।